सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। परिंदे को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग कहते हैं खामोश अक्षर जमाने में, उनके हुनर बोलते हैं। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आज का पंचांग 14 फरवरी 2021 देर रविवार, मांघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि रात्रि 1:59 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 4:33 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:54 से 6:28 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:03 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 10:09 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। धनुराशि 14 फरवरी 2021 देर रविवार, आपके दादाजी या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ योजनाएं हो सकती हैं। दूसरों के साथ अपनी बातचीत में व्यवहार कुशल बने, रोमांस और किसी विशेष व्यक्ति के लिए खाली समय निकालें। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें। आज का आपका दिन आश्चर्य से भरा रहेगा। जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा आपको परेशान कर सकती है। आप में से कुछ लोगों को भावनात्मक ताकत को बढ़ाने की जरूरत महसूस हो सकती है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल केवल अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। इस समय ख्याली पुलाव ना बनाकर वास्तविकता से परिस्थितियों का सामना करें। समय अनुकूल है, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व अनुभव को अपनी कार्यशैली में जरूर अपनाएं। एक से अधिक आर्थिक स्रोत बनाने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। किसी एक ही काम में स्थिरता लाकर फिर दूसरे काम की ओर बढ़ें। फिलहाल लोगों से संबंधित बातों में अधिक जागरूकता दिखाने की आवश्यकता होगी। सावधानियां, कभी कभी आपके शंकालु स्वभाव की वजह से कुछ तनाव जनित स्थितियां पैदा हो सकती हैं। विद्यार्थियों को अपने विषयों पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। घर में रख रखाव अथवा मरम्मत संबंधित कोई योजना बन रही है तो उसे आज स्थगित ही रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज के दिन आप केवल मनोरंजन और आराम के बारे में सोच रहे हैं, इसके साथ ही इंतजार कर रहे हैं डिवाइन लव का। आपकी रचनात्मकता आपको वो सब प्रदान करेगी जिसके आप हकदार हैं। अपने रोमांस के सपनों में रंग भरने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और कल्पना का सहारा लें। आपका चुलबुलापन आज आपके अतीत की कड़वाहट को भी मीठी यादों में बदल देगा। आपका अनुभव आपकी रचनात्मक ताकत को बढ़ाएगा जिससे साथी के साथ अंतरंगता भी बढ़ेगी। आज आपका आकर्षण सभी को लुभाएगा और किसी ऐसे को आपके इतने पास ले आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बात करते हैं करियर की। आज आप मनोरंजन आराम और विलासिता के बारे में सोच रहे हैं, जहां कुछ रोमांचक वित्तीय सौदे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। व्यवसाय से संबंधित संघर्ष से बचने के लिए कूटनीति और नए अवसरों का प्रयोग बेहद जरूरी है। आज जो भी करें सोच समझकर और पूरा दिल लगा कर करें। आपका
व्यवसायिक जीवन आशा आपको सातवें स्वर्ग में ले जाएगा। आपकी क्षमताएं और गुण पूरे आकर्षण में हैं और आप लंबे समय से अटके कार्यों को आज पूरा करने में सफल होंगी। आपकी कंपनी को आपके नए नए विचारों से लाभ होगा। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा और स्थिति से संतुष्ट नहीं है तो पब्लिक रिलेशन फर्म की मदद लें। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपकी तबीयत थोड़ी नाजुक हो सकती है। किसी भी चीज को खाते समय सावधानी बरतें और कोशिश करें कि तले भुने और चटपटी चीजों से दूर ही रहें। अच्छी सेहत और ऊर्जावान बने रहने के लिए चिंता ना करें और न ही अपना मन किसी नए चीज को बनाने में लगाएं। आज का उपाय, आज आप गाय को रोटी खिलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।